अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इमरान मैकेनिकल। NC और NO बटन जो होता है इसको वाइंडिंग मशीन के साथ या किसी और बड़े लोड के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं दोस्तों? ये NC है, ये ऑन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है दोस्तों, और ये जो है ग्रीन वाला ये हमारा ये NO है और ये इसे पुश करने से ये ऑन होता है, ठीक है। ये इसके दो पॉइंट है दोस्तों, इसे पुश करने से ऑन होता है, जैसे फिंगर उठाएंगे ये ऑफ हो जाएगा, और जो हमारा NC है ये बिल्कुल ऑन होता है, जैसे पुश करेंगे ये ऑफ होता है। तो ये हमने NO से NC से करंट दिया है, वहाँ से निकाल के NO को दिया है और NO से निकाल के हमने रिले ऑन करने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या किस तरह काम करता है दोस्तों। ये 12 वोल्ट आ रहा है NC से होके सीधा NO में, NO से होके सीधा पॉजिटिव जा रहा है हमारा रिले के अंदर। ये रिले 12 वोल्ट का है दोस्तों, क्योंकि रिले भी वाइंडिंग मशीन में लगते हैं और ये इससे NO NC से डायरेक्ट हम कोई लोड हैवी नहीं ले सकते। तो किस तरह हम इसको रिले को कंट्रोल कराएंगे इस NO NC बटन से? तो अभी सप्लाई लगाते हैं इसकी, देखते हैं किस तरह काम करता है। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई ऑन करते हैं दोस्तों, ये प्लग लग गया। अच्छा, अब NC से तो करंट आ रहा है दोस्तों, NO को हम प्रेस करेंगे। NO प्रेस किया, ये देखें जैसे प्रेस करते हैं हमारा रिले ऑन होता है, जैसे फिंगर उठाते हैं रिले हमारा दोबारा से ऑफ हो जाता है, ये देखें। और NC को प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है, इससे फिंगर उठाते तो ऑफ हो जाता है। और अब हम क्या ऐसा करें कि इसको हम एक बार प्रेस करें तो रिले हमारा ऑन हो जाए, दोबारा से हमें ऑफ करने के लिए NC को प्रेस करना पड़े, मतलब रेड वाले को, ठीक है। तो ये तो एक बार फिंगर टच करने से काम हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये आ नहीं रहे, एक बार पुश करने से दोबारा आप हम रेड से करें। तो चले मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ कुछ किस तरह से करना है। ये देखें, ये हमारा NC हो गया, NC से करंट हमारा आ रहा है सीधा, क्योंकि NC नॉर्मली क्लोज होता है दोस्तों, वहाँ से निकलेगा जैसे यहाँ से फ्लो करके सीधा हमारा NO में आएगा। NO होता है, इससे करंट लेके हम 12 वोल्ट पॉजिटिव जो देंगे रिले को दे देंगे, ठीक है। बाकी नेगेटिव हमारा कॉमन जा रहा है उसके अंदर, और जैसे NO को प्रेस करेंगे तो करंट इधर आएगा, रिले हमारा ऑन होगा दोस्तों, लेकिन जैसे फिंगर उठाएंगे ऑफ हो जाएगा। तो अब हमारी ये वाली वायरिंग आप देख लें, ये ट्रिक है इसकी, यहाँ से करंट देंगे और उसी रिले के इनपुट के अंदर दे देंगे 12 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। उसी रिले को मिल गया, यहाँ से लेके हम, ठीक है, इससे आउटपुट लेके दोबारा से उसी रिले को दे देंगे, ये देखें। अब समझने की कोशिश करें आप, जैसे हम NO को प्रेस करेंगे रिले ऑन होगा, जब रिले एक बार 2 सेकंड के लिए या जितनी देर हम फिंगर प्रेस करेंगे ऑन होगा, रिले खुद को खुद ही ऑन रखेगा बाद में, यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, यहाँ से फ्लो करता हुआ सीधा उसी पॉइंट पर चला जाएगा। अब ये हम फिंगर उठा भी लेंगे NO से तो, लेकिन ये खुद को खुद ऑन रखेगा रिले हमारा, ठीक है, ये देख लें। अगर आपको 12 वोल्ट चीज़ कंट्रोल करनी है तो इसी से करंट ले लें 12 वोल्ट पॉजिटिव आगे कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपने 220 वाले कोई लोड उठाना है तो आप एक और रिले लगा लें 12 वोल्ट वाला कनेक्शन, ये यूज़ कर लेना, ये देख लें। ये आप हमने उस तरह तार लगा लिया, ये जा रही है रिले के अंदर, रिले के इनपुट के अंदर, वहाँ से रिले से ये देखें आउटपुट ले कर फिर उसी रिले को दे दिया है, मतलब जैसे एक बार प्रेस करेंगे, ये देखें, ये आप मैंने फिंगर उठा लिया, रिले हमारी बिल्कुल ऑन है, अब ऑफ हो गई है NC प्रेस करने से, बिल्कुल अब हमारा काम सीधा हो गया है, ये देखें दोस्तों, ये मैंने प्रेस की, ये ऑन रहा है, ऑन है, ये ऑफ हो गया। बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह वाइंडिंग मशीन का किसी भी चीज़ का हैवी लोड का इस्तेमाल इसे NO NC बटन से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका, ठीक है। ये देखें, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये देखें, बिल्कुल ये तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिले तो हमारा इस्तेमाल हो गया जी, 12 वोल्ट का ये एक किस्म का स्विच बन गया, तो नेक्स्ट लोड हम किस तरह उठाएंगे? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लोड हमारा, इसमें से तो अब कोई पॉइंट बाकी नहीं रहा जिससे हम तो कोई लोड हमारा इससे ले सकें। तो इसका तरीका यह है, एक और रिले हमें चाहिए होगी इसी तरह की, ठीक है दोस्तों। तो आप जितने भी चीज़ें कंट्रोल करना चाहें, ये बस एक स्विच बनाए इस तरीके का एक रिले के साथ, और आगे रिले बढ़ाते जाएं और 12 वोल्ट करंट जो है इसी से ले लें, क्योंकि ये 12 वोल्ट करंट उसी को कंट्रोल कर रहा है, उसी स्विच के जरिए कंट्रोल हो रहा है दोस्तों।
तो ये एक मिसाल के तौर पे हमारी एक मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर है, तो हमने किस तरह चलाना है दोस्तों, हमें इस तरह का एक और रिले चाहिए। तो एक फर्जी ये देखे, ये रिले बन गया हमारा, ठीक है, वही बार बार लेंगे इसी रिले को ऑन करने के लिए, जो उसी रिले से उसी रिले के अंदर इनपुट है, क्योंकि वही कंट्रोल हो रहे हैं NONC से, और ये रिले हमारा स्विच का काम कर रहा है, तो ये रिले हमारा जो नया रिले लगा रहे हैं ये हमारा मोटर को कंट्रोल करेगा। इससे 220 12 वोल्ट वही दे देंगे, 220 या जो भी करंट गुजारना चाहते हैं आप, 3 फेज 220 जो भी, इसमें से एक तार इनपुट दे के आउटपुट निकाल के हम मोटर कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी हैवी लोड कंट्रोल कर सकते हैं। वाइंडिंग मशीन के अंदर भी यही वाला डायग्राम इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें, और NC को हम करंट देते हैं यहाँ से, ये काउंटर मीटर है, ये किस तरह लगता है, ये 3 नंबर पिन पे इनपुट देते हैं हम दोस्तों 12 वोल्ट, और ये 2 नंबर पिन से आउटपुट लेके सीधा NC बटन में जाता है 12 वोल्ट करंट, और आगे वो डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है इस तरह, ये हमारा काउंटर मीटर भी इसी के साथ अटैच हो जाता है। और इसी काउंटर मीटर के कनेक्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मेरी दूसरी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 2 रिले लगे होते हैं इसके अंदर, आप जो भी रिले इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इस पर हैवी लोड नहीं डालते, इसीलिए हमने ये सर्किट डायग्राम आपको समझाया है। शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।